लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरेस्ट फार्मिंग में। आज जो है मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कम खर्च में कैसे आप बत्तख का फॉर्म चला सकते हैं। बत्तख रहे या देसी मुर्गी रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी बत्तख रखा हूँ इसलिए बत्तख के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। और सबसे पहला इसमें जो आता है वो है पोल्ट्री का शेड बनाना। शेड बनाना, दाना का खर्च और दवाई का खर्च, ये तीन मेनली खर्च होता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो सबसे पहले आप देख लो कि दाना, दाना में हरा चारा और धान मिक्स कर दिए हैं। हरा चारा से बहुत काफ़ी कॉस्ट कम हो जाता है। और पोल्ट्री शेड आप जैसा कि देख रहे होगे, दो मेरे पास बना हुआ है और दोनों का वीडियो हम बनाए थे कि कितना खर्च बैठता है और कितना लागत लगता है बनाने में, तो आप वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और दाना का खर्च जो है, ये दाना कुछ नहीं है, बस मूली का पत्ता वगैरह सब है काटा हुआ है। तो चलिए अभी हम आपको फॉर्म में बत्तख लेके जा रहे हैं बत्तख खोलने के लिए। तो तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्त लोग, इससे मनोबल बढ़ता है। तो अभी जो है हम बत्तख खोल रहे हैं। ये सारा का सारा बत्तख चल जाएगा ऑटोमेटिक, जहाँ खाना देते हैं रोज़ वहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये सारा का सारा बत्तख 1-1 किलो प्लस हो गया है और कुछ दिन में अंडा भी देना शुरू कर देगा। जहाँ तक बात आता है शेड बनाने का, पहला जो खर्च होता है, तो शेड बनाने का दो दो वीडियो बनाए हैं हम, वो जाके आप चेक करना वीडियो में, वहाँ आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता। जैसे एक 10,000 के लमसम में बना था और एक 21,000 के लमसम में बना था, जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। और दाना का खर्च देखो, इसमें धान तो हम रोज़ खिलाते ही थे, लेकिन आप धान और हरा चारा मिक्स करके खिला रहे, देखो कितने अच्छे से खा रहा है। तो हरा चारा में आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो, तो हरा चारा में अभी मेरे यहाँ पे मूली का बहुत बड़ा बड़ा गाछ हो गया, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसलिए मूली का पत्ता दे रहे हैं। और बाकी आप साइड में देख लो, बरसीन रोपे हुए हैं, जो कि बरसीन भी अच्छा खासा आ चुका है। ये अभी काटने लायक नहीं हुआ है, लेकिन आ चुका है गाछ अच्छे से। तो तत्काल में हम मूली दे रहे हैं, आप मूली का पत्ता के जगह बरसीन रोप सकते हो, नेपियर रोप सकते हो, कोई भी हरा चारा जो कि नॉर्मली बकरी या गाय को या किसी चीज़ को खिलाने के लिए जो रखते हो, उसको आप छोटा छोटा टुकड़ा करके आप आराम से खिला दे सकते हो। और इसके बाद तीसरा खर्च आता है, वो है दवाई का। दवाई देखो, आप अगर प्रॉपर खरीद के दवाई मेडिकल वाला दोगे तो उसमें आपको महंगा पड़ेगा, कभी भी महंगा पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि बत्तख को बीमारी ही ना हो। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें बीमारी आता है वो है पंख उड़ना, चोंच एक दूसरे को मारना। तो उसके लिए आपको बता दें हम कि आप आंवला का जूस और नमक 20 लीटर पानी में मिला के 100 बत्तख के लिए तैयार कर लो, स्वाद अनुसार दे दो, तो आपका ये बीमारी भी, पंख नोचने वाला और एक दूसरे को लोल मारने वाला भी बीमारी हट सकता है। और जो सारा का सारा बत्तख लोल नहीं मारता, उसमें से कुछ बत्तख होता है जो शैतान होता है, जो एक दूसरे को लोल मारता है, तो आप उस बत्तख को साइड करके अलग छांट के भी रख सकते हो। पर हफ्ते में एक बार आंवला और नमक वाला अगर आप जूस पिलाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये लाइफ टाइम पिला सकते हो हफ्ते में एक बार, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। आप आराम से 250 ग्राम नमक लोगे और थोड़ा सा 3-4 आंवला का को कूच करके या तो फिर पीस करके उसमें मिक्स करके दे दो, आप आराम से वो 20-30 रुपए में आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और इस अगर आप ये देते रहोगे तो आपको कभी इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ रोग इसमें आया है। तो तीन मेनली खर्च आता है, जहाँ कि आपको बता ही दिए कि पोल्ट्री का शेड बनाने का खर्चा, वो पुराना वीडियो में मेरा जाके देख लो, एक ही चीज़ बार बार कितना बोलूँगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो पुराना वीडियो में है पोल्ट्री शेड बनाने का, दो शेड बनाया हूँ, दोनों का खर्चा आपको बता दिया हूँ। एक में 20 से 25 हज़ार के बीच में खर्चा हुआ था और एक में 10,000 के लमसम में खर्च हुआ था, वो प्योर बांस का बना हुआ था। पुराना वीडियो जाके देखना, ज़रूर मिल जाएगा। और दाना का खर्च में जैसा कि आप लोग देख रहे हो, धान तो खिलाते हैं, धान से अंडा का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा आता है, तो धान तो आप खिलाना ही, और साथ में हरा चारा मिला के खिला दो, तो इसके लिए खाना भी अच्छा हो जाएगा और हरा शरीर में जाएगा तो उसके लिए भी पौष्टिक चीज़ मिल जाएगा। तो
तो वो आप ट्राई करना। और तीसरा दवाई, दवाई का ज़रूरत आपको तब पड़ेगा जब बीमारी होगा। अगर आप शुरू से इसको 1.5 महीना का जब ये बत्तख हो जाए तब से लेकर के आप इसको आंवला और नमक वाला घोल पिलाना शुरू कर दोगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगा इस टाइप का। और बत्तख में ज़्यादा रोग होता नहीं है, शायद ही कभी कभी आप अगर गीला वगैरह रख देते हो फॉर्म को हमेशा सूखा रखना, ठीक, तो आपको ये सब चीज़ झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए, ताकि क्योंकि देखो जीव है, मर जाएगा तो एक तो ये मरा उसका पाप लगेगा, ऊपर से क्या नुकसान में भी जाएगा। तो इसके लिए और बिजनेस कर रहे हो तो आपको तो इसको बचा के ही चलना है। तो इस वजह से अगर आप लोग इसको जैसा प्रोसेस में बताए हैं उस प्रोसेस में अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और बहुत कम खर्च में आप पोल्ट्री कोई भी मतलब देसी मुर्गी हो या बतख हो ये आप चला सकते हो। और पोल्ट्री बिजनेस रिस्की बिजनेस होता है जो ब्रॉयलर वाला बिजनेस होता है, तो बहुत लोग ब्रॉयलर से शिफ्ट हो रहा है देसी और बतख पे। तो आप भी ट्राई करो एक बार, शुरुआत 100 बतख से ही करो, 100 मुर्गी से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ करो, कोशिश करने में कुछ नहीं होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो सफल ज़रूर होगे और लगे रहो। बाकी तो हम लोग है ही, मेरे जैसे बहुत लोग पड़े हैं बताने के लिए, पर मेरा जो बताने का मकसद है सिर्फ यही है कि मैं जो करके देखता हूँ उसके बाद आपको वीडियो बना के देता हूँ। जैसे कि आप पहले जब देखे होगे मेरा पुराना वीडियो में मेरा भी बतख का पंख वगैरह सब उड़ा था, तो उस टाइम हम चाहते तो वीडियो बना देते। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ व्यू बढ़ाना नहीं है, आपको कुछ समझ में आए, कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वो। तो इसलिए पहले मैं वो इलाज किया आंवला और नमक से, ठीक हुआ, उसके बाद आज आप देखोगे कि मेरा मैक्सिमम सारा बतख का हालत ठीक है। कुछ कुछ बतख का साइड वाला पंख में थोड़ा थोड़ा अभी भी बचा हुआ है, तो ये अभी मुश्किल से मुश्किल मेरे को लगता है 15 दिन में, यानी दो बार और पिलाऊंगा तो आराम से पूरा ठीक हो जाएगा एक दो जो बचा खुचा है। और अभी ये लोल मारना बंद कर दिया एक दूसरे को, और हरा चारा देखो कितना अच्छा से खाता है। इतना सारा दिए थे 8 केजी के आसपास धान था और बहुत सारा हरा चारा भी काट के दिए थे, तो देखो आप कितना कम बचा है, इतना तेज़ी से खाया ये, यानी एकदम चाव से खाता है। तो और आपको क्या चाहिए, इसका पेट भी भरे, इसको पौष्टिक तत्व भी मिले शरीर के लिए, और अच्छा से आपको आपका खर्च भी बच जाए। क्योंकि हमेशा मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका घटेगा तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगा, तो इस चीज़ पे ही आप काम करो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, लाल बटन ज़रूर से ज़रूर दबाओ यार, लाल बटन अच्छा नहीं लगता, उसको ग्रे करो दबा के। और वीडियो में अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।